ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। आज मैं आया हूँ इंटरस्टेट बस टर्मिनल ISBT गुवाहाटी। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ ये बस टर्मिनल के अंदर पे आपको कहाँ कहाँ पे जाने के लिए बस मिल जाएगा। ये ISBT का मेन एंट्रेंस। दोस्तों मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाया था कि आप अगर आप गुवाहाटी में आ रहे हैं और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद अगर आपको ISBT से कैसे बस पकड़ना है, तो मैंने उसके लिए पहले भी एक वीडियो बनाया था। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये लिंक, जिसमें आपको पोर्टल मगर से आपको कैसे आना है ISBT के लिए, और पोर्टल मगर से भी आप टिकट कर सकते हैं और ISBT में आकर भी टिकट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप रेड बस से भी टिकट कर सकते हैं आप। तो मैं आगे जाकर दिखाता हूँ आपको कि ISBT में आने के बाद आपको कहाँ से आपको टिकट काटना है, टिकट काउंटर कहाँ पर है, सब दिखाऊँगा आपको। तो मेरे पीछे की तरफ देखिए बहुत सारे बस हैं, तो खड़ा हुआ है अभी छोड़ेगा। आज जो है सिलीगुड़ी जा रहा है, ये गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक ये जाएगा बस। ये ISBT का देखिए ये सारे गरीब पार्किंग करके रखा हुआ है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पटमजार से ISBT का डिस्टेंस है 9.3 किलोमीटर। ये देखिए सारे बस काउंटर आपको यहाँ पे है। ये देखिए चारों तरफ बस काउंटर ही है यहाँ पे। ये ISBT में आपका होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएगा। ये फर्स्ट फ्लोर में है। ये ISBT होटल एंड रेस्टोरेंट है। ये देखिए उनका अपना मेनू है, वेज एंड नॉन वेज है। और ISBT का एयर कंडीशन वेटिंग रूम भी है फर्स्ट फ्लोर में, रूम है। और में देखिए ये सारे ट्रेवल एजेंसी का काउंटर है। ये रेस्टोरेंट है रिफ्रेशो रेस्टोरेंट है। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की किसी भी स्टेट में जाने के लिए यहाँ से बस मिल जाएगा। आपका मणिपुर जाना है, मणिपुर में आपको इंफॉल जाना है, आपको बस मिल जाएगा। मणिपुर में आपको और भी किसी जगह जाना है, यहाँ से बस मिल जाएगा। आपका अरुणाचल में ईटानगर पासीघाट के लिए यहाँ से बस मिल जाएगा। आपको मेघालय के लिए आपको मेघालय शिलोंग और तुरा के लिए यहाँ से बस मिल जाएगा। त्रिपुरा के लिए भी आपको यहाँ से बस मिल जाएगा, ये अगरतला के लिए बस मिल जाएगा। और आपका मिज़ोरम के लिए बस मिल जाएगा आपको, मिज़ोरम आपका हो गया आपका आइजोल लुंगले, यहाँ से बस मिल जाएगा आपको। तो आपका नागालैंड के लिए भी आपको यहाँ से बस मिल जाएगा, नागालैंड के लिए आपको डिमापुर के लिए बस मिल जाएगा यहाँ से, कोहिमा के लिए बस मिल जाएगा यहाँ से। आपको सिलीगुड़ी जाना है वेस्ट बंगाल के लिए बस मिल जाएगा, सिलीगुड़ी के लिए यहाँ से बस मिल जाएगा आपको। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट की हर स्टेट के लिए बस मिल जाएगा, और प्लस आपका वेस्ट बंगाल के लिए भी यहाँ से बस मिल जाएगा। दोस्तों असम की हर जगह के लिए आपको यहाँ से बस मिल जाएगा, आपको हर डिस्ट्रिक्ट को ये हर डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ से बस मिल जाएगा, हर छोटे टाउन के लिए भी यहाँ से बस मिल जाएगा। आप ISBT में आइए और काउंटर में जा कर के आप वो टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों ये जो बस टर्मिनल है, ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। ये दो पार्ट में दो हिस्से में बटा हुआ है। देखिए ये एक तरफ में एक पार्ट है, और ये एक तरफ में देखिए एक पार्ट है।
इस तरफ में दो पार्ट है। एक मैं आपको दिखाता हूँ सामने से, ये देखिए ये एक लाइन है बस का, और ये देखिए उस तरफ भी एक लाइन है बस का, और ये देखिए मैं ये यहाँ पे भी सेम है, इस तरफ पे भी सेम है, इस तरफ में भी बस के लिए लाइन है, और वो आगे देखिए ये देखिए वो इस तरफ भी एक लाइन है, मतलब सबसे बड़ा बस टर्मिनल है ये नॉर्थ ईस्ट का। रिफ्रेश होने के लिए यहाँ से यहाँ पे आप बाथरूम यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप दूर का जर्नी करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे आकर के आप रिफ्रेश हो सकते हैं। दोस्तों ये देखिए आपको आइसबिट में आपको छोटा छोटा शॉप मिल जाएगा, आप यहाँ से बिस्कुट पानी जूस और आपका नमकीन जैसा फूड आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।